अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग की 3 महिलाओं सहित 8 लोग गिरफ्तार। मुरादाबाद पुलिस ने आज एक अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग की 3 महिलाओं सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक होंडा सिटी सहित 2 कार भी बरामद की हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र की सबसे पास माने जाने वाली कॉलोनी TDI सिटी में एक हफ्ते पूर्व एक एक्सपोर्टर परिवार को बंधक बनाकर आधा दर्जन बदमाशों ने बड़ी लूट कर प्रयास किया गया था। इन बदमाशों के चेहरे घर में लगे CCTV कैमरा में कैद हो गए थे, जिसके आधार पर पुलिस टीम इस गैंग को पकड़ने में लगी हुई थी। मुरादाबाद SP सिटी अमित आनंद ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घर की नौकरानी शमा परवीन ही इसकी मुख्य कर्ता धरता है। उसने ही लूट की पूरी योजना बनाई थी। वह घटना के समय आरोपी युवकों को घर में लेकर पहुंची थी और इसने ही घर के CCTV कैमरा बंद करने की बात भी लुटेरे गैंग से कही थी। इसकी 2 और बहनें भी इस मामले से जुड़ी हुई हैं। इन तीनों ने मिलकर पड़ोसी जनपद रामपुर के एक गैंग को हायर करते हुए कई घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया है और हाल ही में उत्तराखंड से भी एक व्यक्ति का अपहरण करते हुए उससे 10 लाख रुपए की फिरौती भी ली गई है, जिस मामले में मुकदमा भी दर्ज है। शमा परवीन की बहन सानिया पैसे वाले लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर पैसे ऐंठने का भी काम करती है। मुरादाबाद पुलिस ने आज इस गैंग को गिरफ्तार कर कई मामलों को उजागर करते हुए इनके पास से लूट में प्रयुक्त एक होंडा सिटी और दूसरी कार भी बरामद की है। SP सिटी अमित आनंद के अनुसार ये गैंग हनी ट्रैप लगाकर भी कई लोगों को लूट चुके हैं। ये TDI सिटी में 9 जनवरी को एक डकैती का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें CCTV फुटेज में 5 लोग दिखे थे, जिसके आधार पे 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो उसी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और कल मुरादाबाद पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। एक रामपुर के गिरोह का पूरा इसमें खुलासा हुआ है। इसमें जो मेन कल्प्रिट थी, जो उनके घर की नौकरानी थी, वो लगभग 5 साल से उन्हीं के घर में काम कर रही, 3 साल से लगभग उन्हीं के घर में काम कर रही थी और उसे थोड़ा असंतोष था उसकी जो सैलरी से लेके थे काम को लेकर था। ये 9 तारीख को TDI सिटी थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक डकैती का प्रयास किया गया था, जिसमें CCTV फुटेज में 5 लोग दिखे गए थे। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तथ्य सामने आए कि जो उस घर की जो नौकरानी थी, उसी ने प्लान किया था। उसकी 2 और बहनें थी जिसके साथ उन्होंने उसको संपर्क किया और इन्होंने एक रामपुर के गैंग को संपर्क किया, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। 9 तारीख को इससे पहले भी इन्होंने एक बार प्रयास किया था, वो असफल रहा था। फिर इन्होंने 9 तारीख को बुलाया कि घर में कैश और आभूषण है और इस समय आप आएंगे तो ये सक्सेसफुली हम लोग कर पाएंगे। तो ये लोग पहुँचे थे, घर की एक महिला ने दूसरे कमरे में चली गई थी, उसने शोर मचाया था, जिसके इनको डर लग गया कि पुलिस आ जाएगी, तो ये लोग वहाँ से भाग गए थे। और CCTV फुटेज पे इन्वेस्टिगेशन के आधार पे चली जा रही थी और अन्य तथ्यों के आधार पे इस रामपुर गैंग का खुलासा किया गया। इसमें 5 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं, 2 व्यक्ति इस समय फरार हैं। इन 5ों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है कि हम लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे, तथा इन 3 बहनों ने हमें इस चीज़ के लिए बताया था कि इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। इनमें से जो एक तो घर में नौकरानी है, एक का जो बहन है उसका पेशा पत्रकार, अपने आप को बताया, साथ में LLB कर रही है। दूसरी बहन भी इसी तरह के छोटे मोटे काम करती रहती है। इनके पास से एक SUV 500 होंडा सिटी, साथ में एक तमंचा कारतूस तथा कुछ कैश प्राप्त हुआ है। इसी घटनाक्रम खुलासे के दौरान इन 3 बहनों के पास से एक उत्तराखंड का व्यक्ति भी बरामद हुआ। इस व्यक्ति को इन्होंने अपने प्रेम जाल में बुलाया था, साथ बाद में इससे 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी। उत्तराखंड पुलिस से संपर्क करके इस व्यक्ति को वहाँ भेज दिया गया, साथ में अन्य लोग जो शामिल थे उन पर भी हल्द्वानी जिला में वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत हो गया। पुलिस इन अपराधियों तक कैसे पहुँची? ये CCTV फुटेज जो घर पे प्राप्त हुए उससे कुछ चिन्हीकरण किया गया था, उनके रूट जो फॉलो किया संभावित किया जा सकता था, उस रूट के सभी CCTV फुटेजेस को देखा जा रहा था। लगभग हैबल पार्क पे ये 2 गाड़ियाँ जो थी उनका चिन्हित हुआ, उनके कार नंबर से प्लेट से डिटेल्स प्राप्त हुए, फिर इन लोगों की जो नाम आ रहे थे उनके
तथ्य जांचे गए तो ये घटना का खुलासा। सर, ये जो घर की नौकरानी थी, क्या घटना के समय घर पर मौजूद थी और ये पूरी खबर क्या गैंग को दे रही थी उस समय? ये मास्टर प्लान इसी का था, ये घटना के उस समय उधर ही थी। इसने ऐसा भी बताया कि इन लोगों को इसने बोला था कि आप जब लोग घर आएंगे तो हम सीसीटीवी फुटेज की लीड को हटा देंगे, बट लेकिन किसी कारणवश नहीं वो हटा पाई थी। बट पहले भी इसने जानकारी दी थी और पहले एक बार इसने प्रयास करवाने की कोशिश की, वो भी असफल हुआ था और दूसरे वाले में भी असफल हुआ। क्या ये तीनों बहनें इस तरह की प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं कि घरों में नौकरी करती हैं और उसके बहाने फिर उसमें आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलाती हैं? ये अभी जो हरिद्वार वाली जो घटना हुई कि ये पहला वाला घटना करने के बाद दूसरी घटना में तुरंत लग गए, साथ ही इनके ऊपर पूर्व में भी मुकदमे एक बहन पे पंजीकृत होने की बात है, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता और साथ ही विवेचना प्रचलित है और भी जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी।